2024 लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आम चुनाव किए जाएंगे। खास बात यह है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे और इसका पहला ही चरण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम इस बार सबसे लंबा चलने वाला है। पिछले दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 की हम बात करें तो इसकी तुलना में इस बार यूपी में चुनावी मौसम सबसे लंबा होगा। 2014 लोकसभा चुनाव में आचार आदर्श संहिता जारी होने से लेकर यूपी में आखिरी फेज के चुनाव तक कुल 67 दिन लग जाएंगे। 2019 चुनाव में प्रोसेस 69 दिन में पूरा हुआ था, जबकि 2024 में यूपी में लोकसभा चुनाव 78 दिनों तक चलेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला ही चरण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्यों है, हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। पहले जान लीजिए उत्तर प्रदेश में कब कब लोकसभा चुनाव है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी में 19 अप्रैल को पहले चरण में राज्य की 8 सीट, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 8 सीट, 7 मई को तीसरे चरण में 10 सीट, 13 मई को चौथे चरण में 13 सीट, 20 मई को पांचवें चरण में 14 सीट और 25 मई को छठे चरण में 14 सीट और 1 जून को सातवें चरण में 13 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी की किस सीट पर कब चुनाव होगा? पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होना है। यहां 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन होगा और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव होना है। यहां 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक नामांकन होगा और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में चुनाव होना है। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन होगा और 7 मई को वोटिंग होगी। चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच सीट पर चुनाव होना है। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन होगा और फिर 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा में चुनाव होना है। 24 अप्रैल से 3 मई तक यहां नामांकन होगा। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोई में चुनाव होना है। 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन यहां भरे जाएंगे और वोटिंग होगी 25 मई को। सातवें चरण का चुनाव महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसपुर, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव होना है। यहां 7 मई से 14 मई तक नामांकन भरे जाएंगे, 1 जून को वोटिंग होगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहला चरण ही है। देखिए, यूपी में पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां अभी आधे से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में इस 8 में से 3 सीटों पर बीएसपी और 2 पर एसपी ने जीत हासिल की थी, यानी कि बीजेपी के पास अभी 3 सीटें हैं, ये है कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत। खास बात यह है कि कुछ सीटों पर बीजेपी को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। नगीना सीट पर बीएसपी के गिरीश चंद्रा ने बीजेपी के यशवंत सिन्हा को सबसे ज्यादा 1,66,832 वोटों के अंतर से हराया था। रामपुर से सपा नेता आजम खान ने भी बड़े अंतर से 1,09,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी नेता और अभिनेत्री जयाप्रदा को हराया था। इसके अलावा मुरादाबाद से सपा नेता एसटी हसन ने भी करीब 1,00,000 के वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। वहीं बिजनौर में 70,000 वोट और सहारनपुर सीट पर 22,000 वोटों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी बहुत मामूली अंतर यानी कि 6,000 वोटों से ही जीती थी। दूसरे नंबर पर आरएलडी रहा था, हालांकि इस बार चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। वहीं पीलीभीत सीट पर बीजेपी नेता वरुण गांधी और मेनका गांधी की अच्छी खासी पकड़ है। 2019 चुनाव में बीजेपी ने यहां 2,50,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 2014 चुनाव में समीकरण कैसा था? 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार केंद्र की सत्ता में आई थी, तब बीजेपी ने सबसे ज्यादा 71 सीट यूपी में जीती थी। इस बार चुनाव में पहले चरण वाली सभी 8 सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत पर 2014 में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं बल्कि 4 सीटों पर 2,00,000 के वोटों के अंतर से जीती थी। लेकिन अगले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हम बात करें तो इन सभी सीटों पर बीजेपी का जरादार कम हो गया।
2014 में जिस मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 401,150 वोटों से जीत मिली थी, वहीं 2019 में मार्जिन महज 6,000 रह गया था। वहीं कैराना सीट पर 2014 में जहां जीत का मार्जिन 2.5 लाख था, 2019 में घटकर 92,000 हो गया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस बार RLD या रुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल, सोनीलाल ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। RLD और अनुप्रिया पटेल को दो दो सीट, वहीं सुभाषपा और निषाद पार्टी को एक एक सीट के लिए चुनाव लड़ने की खबर है। बीजेपी खुद 74 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के लिए सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं का दावा है कि इस बार उनकी पार्टी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का दावा है कि इंडिया गठबंधन सभी 80 सीटें जीतेगा, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। खैर, ये तो अब 4 जून 2024 को ही पता चल पाएगा जब चुनावी नतीजे आएंगे कि किस पार्टी ने सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। लेकिन ये पहला चरण उतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। जिस तरीके का समीकरण बन रहा है उससे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा को पहले चरण में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।